अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, इस्लाम में पहला जुमा कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1 हिजरी, बी 2 हिजरी, सी 3 हिजरी, डी 4 हिजरी। सही जवाब है ए 1 हिजरी। सवाल नंबर दो, वो कौन सी चीज है जो अगर होती तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घूंट पानी भी ना देता? सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। यानी अल्लाह सुबहाना व ताला के नज़दीक दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व ताला हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल नंबर तीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 39 साल, बी 40 साल, सी 41 साल, डी 42 साल। सही जवाब है बी 40 साल। सवाल नंबर चार, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर पाँच, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम लिख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते? सही जवाब है नहीं, क्योंकि नहीं को जब हम पढ़ेंगे तो नहीं ही पढ़ेंगे। सवाल नंबर छः, वो कौन सी किताब है जो दुनिया में लिखी जा रही है और क़यामत के दिन पढ़ी जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए कुरान मजीद, बी ज़बूर, सी नामा आमाल, डी मालूम नहीं। सही जवाब है सी नामाए आमाल। सवाल नंबर सात, अगर मेहमान घर आए और उसका रोज़ा ना हो तो क्या किया जाए? आपके ऑप्शन हैं ए खाना खिला सकते हैं, बी नहीं खिला सकते, सी सिर्फ पानी पिला दें, डी मालूम नहीं। सही जवाब है बी नहीं खिला सकते। हाँ, अगर मेहमान ने किसी शरई उज़र की वजह से रोज़ा ना रखा हो तो उसे खाना खिलाया जा सकता है। सवाल नंबर आठ, कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 5, बी 10, सी 50, डी 100। सही जवाब है बी 10। सवाल नंबर नौ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए थे?
आपके ऑप्शन हैं ए इतवार, बी सोमवार, सी मंगल, डी जुमा। सही जवाब है डी जुमा। सवाल नंबर 10, बारिश करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, बी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है डी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 11, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्र में बादशाह बने थे? आपके ऑप्शन हैं ए 13 साल, बी 30 साल, सी 35 साल, डी 40 साल। सही जवाब है ए 13 साल। सवाल नंबर 12, शैतान किस चीज से बना है? आपके ऑप्शन हैं ए पानी, बी आग, सी मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी आग। सवाल नंबर 14, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक कहां से आया था? आपके ऑप्शन हैं ए आसमान से, बी जन्नत से, सी पानी से, डी जमीन से। सही जवाब है बी जन्नत से। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी मालूमात है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यह मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।